हाँ तो सन दो से लगभग 2010 तक पूरा भारत लगभग पैदल ही भ्रमण किया जी समय किराए तो कोई किराया देने की कोशिश करे कि लोग पाँच सौ रुपया हजार रुपया गाड़ी में कि नहीं पैसा छूते ही नहीं है पैसा तो हमारे आत्माराम की मौत से चल रहे है। जी है तो मजबूरी में नहीं चल रहे हैं कि वाहन में आत्माराम की मौत से पैदल ही चलना है तो तो अरे समझो पैसा तो मनुष्य के बनाए हुए टंगसाल से बना हुआ है अरे नोट नहीं छपते थे सिक्के नहीं छपते तो क्या उससे पहले जीवन नहीं था था? कि पैसा बिना भी, भी जीवन था पर मन से मान लिया कि एक पैसा मतलब विनिमय का साधन मात्र है दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ सच पूछिए तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि हमारे देश के महान संत आज भी इस आधुनिक युग में इतना त्याग और समर्पण कर रहे हैं आज एक ऐसे ही महाराज जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनका जीवन पूरा त्याग से भरा पड़ा है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए लगा दिया है और वर्षों तक उन्होंने दस वर्ष तक उन्होंने पैदल यात्रा की महाराज जी का भाव देखिए जब पैदल यात्रा करते थे एक बार एक भक्त ने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर पर दर्शन करिए और उन्हें गाड़ी भिजवा दी महाराज जी ने गाड़ी स्वीकार कर दी क्योंकि कार से या किसी वाहन से नहीं चल रहे थे पैदल चल रहे थे तो महाराज जी ने उस भक्त का भाव रखने के लिए ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पैदल तय की और फिर जो है महाराज जी उस भक्त के यहाँ पहुँचे और भक्त के यहाँ दर्शन किया महाराज जी ने जीवन में लक्ष्य अपना रखा है कि कभी भी धन को पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे और आज करीब सैंतीस वर्ष हो रहा है महाराज जी ने कभी पैसे को धन को हाथ नहीं लगाया और उसके बावजूद वो देश भर में तमाम जगहों पर भ्रमण करते हैं महाराज जी का ज्ञान अगर बाहरी ज्ञान जिसे महाराज जी बोलते हैं तो उन्होंने बीएससी की इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद संत बन गए मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन फिल्मों में और अन्य जगहों पर हमारे संतों के बारे में तमाम तरह की बातें की गई अगर ऐसे महान संत के दर्शन करेंगे और ऐसे महान संत के जीवन के बारे में जानेंगे तो आपकी पूरी की पूरी धारणा जो गलत बैठी थी संतों के बारे में वो निर्मूल साबित होगी महान संत के मैं दर्शन करा रहा हूँ और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा महाराज जी ने आग्रह किया है निवेदन किया है कि उनके एजुकेशनल और पिछली की दुनिया के बारे में बातचीत ना करें तो मैं उन पर बातचीत नहीं करूँगा लेकिन महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान और महाराज जी का दर्शन वो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो महाराज जी का दर्शन करिए पहले भावपूर्ण दर्शन करिए सत्य स्वरूपानंद महाराज जी हैं और फिर उसके बाद बातचीत का हम सिलसिला शुरू करेंगे महाराज जी राधे 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 जी ओम नमो नारायणाय जय प्रभु जी हाँ जी महाराज जी जिस पैसे के लिए जिस धन के लिए पूरी दुनिया बेचैन है परेशान है और दौड़ती रहती है कि उसको किसी भी तरह से पैसा मिले और ऐस एस, ऐसो आराम की ज़िंदगी मतलब अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें आज उसी पैसे को धन को आपने मतलब सैंतीस वर्ष से लंबे आयु तक हाथ ही नहीं लगाया जी ये तो कुछ नहीं ये तो बड़े गुरु महाराज प्रभु जी महाराज और आदर्श रामकृष्ण परमस देव का कि रामकृष्ण परमस ने कभी पैसा का स्पर्श नहीं किया है और हाथ स्पर्श करते उनका तो एकदम ऐसा हो जाता कि जिससे लगवा हो गया है झटका लगाओ मिंचू ने डक मारा हो तो उसी आदर्श में परम सच्चिदानंद जय प्रभु जी गुजरात में आ, उनके सानिध्य में रहे बारह साल फिर पंद्रह पाँच तीन साल और तो पंद्रह साल उनके सानिधि में रहे तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा पैसा नाम की कोई वस्तु है पैसा से कुछ होता है सब प्रभु कृपा ही केवलम सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है वही परमात्मा है पहले पैसा विनिमय का साधन नहीं था जी। ये तो मनुष्य ने बनाया इससे पहले विनिमय का साधन चीज वस्तु थी जिसके पास जो था वो देता आपस में ये तो बाद में मनुष्य ने बनाया और मनुष्य पैसे के अधीन हो गया तो पैसा ही सब कुछ नहीं है क्योंकि पैसा बिना एक कदम नहीं चल सकते तो पैरों में पैसा नहीं भरे हैं कि परमात्मा की शक्ति के बिना एक कदम नहीं भर सकते परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है अंदर परमात्मा की जीवन शक्ति नहीं है जीवन शक्ति निकल जाए तो पैसा क्या करेगा करोड़ों अरबों हो तो भी कुछ भी नहीं जीरो है तो पैसा लक्ष्य नहीं है लक्ष्य परमात्मा पैसा जीवन का आधार नहीं है ये तो एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी मेंटालिटी हो गई भाई पैसा के बिना कुछ नहीं होगा पैसा बिना ऐसा नहीं कि पैसा के बिना ही सब कुछ होता है ऐसे महापुरुष बहुत है संत उड़िया बाबा हो गए जैसे जयपुर जी परमस दयानंद जी महाराज जी हो गए कि उन्होंने कभी पैसा का कभी स्पर्श नहीं किया पूरा भारत भ्रमण किया और उससे जो पैसा रखते उससे भी अधिक व्यवस्था हो जाती गीता में भगवान ने खुद ने वचन दिया है गीता में कहते नौवें अध्याय में बाईसवें मंत्र में के अनन्या चिंतन तो माम ये जना पर्युपाशते तेसाँ निभियुक्ता योगक्षम वहाम्यहम तो गीता में भगवान ने वचन दिया है कि जो अन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा अनन्या चिंतयन तो माम जो भगवान का अनन्या भाव से चिंतन करेगा तो उसका योगक्षम वहन परमात्मा स्वयं करते उसको कोई अपने जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं भगवान ने वचन दिया उसके जो प्राप्त वो प्राप्ति भगवान कराएंगे और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी परमात्मा करेंगे इसी वचन के आधार पर बहुत संत महापुरुषों से सब कुछ त्याग करके इस आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हैं और सबका अनुभव है वास्तव में अनेक उदाहरण तो कितना देना इतने बहुत संत महापुरुषों का अनुभव है साधकों का भक्तों का भी कि भी वास्तव में भगवान के नाम पे निकलते हैं उसको कोई प्रकार की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है सब परमात्मा सब व्यवस्था करते हैं शरीर के लेवल पर भी अन्य वस्त्र आदि रहने आदि दवाई आदि और मन के लेवल पर भी ज्ञान आदि ये भी प्राप्त होता है और आत्मा के लेवल पर भी आत्मज्ञान अनुभूतियाँ ये सब कुछ मतलब शरीर मन प्राण अंतरात्मा के लेवल पर सब कुछ परमात्मा और सारी व्यवस्था करते हैं मैं एक भक्त की बात आ रही थी कि जब भक्त ने अपनी गाड़ी भेजी आप गाड़ी को आपने नहीं मतलब गाड़ी से नहीं चले और पैदल ढाई सौ किलोमीटर दूरी यात्रा तय की हाँ तो सन दो हजार से लगभग दो हजार दस तक पूरा भारत लगभग पैदल ही भ्रमण किया कि जिसे कि जी विचरण कि जिससे बड़ा दयानंद जी महाराज दिल्ली और पंजाब में होंगे वो वो पैदल ही विचरण करते थे महाराज श्री तो उनके प्रेरणा लेकर और अंदर स्वती प्रेरणा से आत्मा प्रेरणा से उससे पहले भी कुछ चले हैं पैदल पैदल चलने से बहुत शरीर का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है भूख प्यास भी लेता है कोई प्रकार की बीमारी शिमारी कुछ नहीं होती और एक अलग अनुभव होता है प्राचीन ऋषि मुनियों की तरह तो कोई भी रास्ते में गाड़ी वाहन खड़ी रह जाए तो कभी नहीं वो कोई सोचता कि भी उनको गाड़ी नहीं मिलेगी तो चलते होंगे तो कोई कार खड़ी हो जाए बैठाने के लिए कि नहीं हमारा पैदल ही चलना है कभी बड़ी बस भी खड़ी हो जाती है कि आप बैठिए महाराज जी आपका कोई किराया नहीं लेंगे बैठिए बोले नहीं, नहीं। पैदल ही चलना है हिमाचल में पैदल चले तो रास्ते में रुक जाते कोई समझे किराया नहीं तो कोई किराया देने की कोशिश करे कि लोग पाँच सौ रुपया हज़ार रुपया गाड़ी में कि नहीं पैसा छूते ही नहीं है पैसा तो हमारे आत्माराम की मौत से चल रहे हैं कि मजबूरी में नहीं चल रहे कि वाहन आत्माराम की मौत से पैदल ही चलना है तो तमाम जगहों पर ऐसा रहता होगा कि पैसा देने के लिए तो कभी वाहन भेजते कि गुजरात के गुरु भाई आए स्वामी चिन्मानंद जी उनका आग्रह कि भाई पानीपत से आप आइए हम आए भगवानपुर तो वाहन भेजा पर नहीं।, नहीं अब हुआ कि भी नहीं जाना चाहिए तो फिर वहाँ से पैदल ही चल पड़े लगभग ढाई सौ किलोमीटर वो पैदल ही तय करके मिला तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई ये सौ किलोमीटर यात्रा दिन रात चलनी पड़ी कि ना सुबह ब्राह्मत में चार बजे चल पड़ते चार पाँच बजे जी दोपहर को नारायण हरी भिक्षावृत्ति जहाँ ग्यारह बजे बारह बजे कोई भी गांव में मधुकरी भिक्षा करके थोड़ा रेस्ट करके फिर चल पड़ते और अंधेरे वो जब तक वो यात्रा चालू रहती और जहाँ रुकने का स्थान लगे कि भी कोई आश्रम है मंदिर है कोई एकांत स्थान है कोई ट्यूब है या कोई ठीक जगह है तो वहाँ पर रात्र अपना आसन अपने पास ही रहता जी अपने गंधे पर अपना ओढ़ना बिछाना अपने पात्र एक जोला वो साथ में अपने आसन पे बिछा के अपने आसन पे विश्राम और सुबह उठ के फिर आगे चल पड़ते तो भक्त के पास पहुँचे होंगे ढाई सौ किलोमीटर दूरी पे तो आश्चर्य में पड़ गए होंगे नहीं तो सहज था कोई ऐसा नहीं कि भी तो सहज जिसका जीवन है पैदल चलना उसके लिए तो को कोई ऐसा नहीं होता कोई आश्चर्य जैसा तो सहज ही आत्मा राम की मौत से आनंद से चलते रास्ते में पैदल चलते चलते भी भगवान का स्मरण कभी गीता का श्लोक और बड़ा आनंद से और सभी प्राकृतिक जीवन के जो गांव में से गुजरते सभी लोगों का भाव श्रद्धा वहाँ शांति से बैठते कोई बोले तो ठीक है सत्संग चल पड़ता है कोई ना बोले अपने आ, आए, तो अपना चुप बैठे और आनंद से विचरण है भिक्षा का जैसे संकल्प लिया कि भिक्षा करके ही प्रसाद लेना कोई प्रकार का जड़ नियम नहीं है नहीं। जी आत्मा राम की मौत जब लगे कि भाई मंधुकारी भिक्षा करना तो भिक्षा ही करते हैं और कोई भिक्षा टिफिन ले आते हैं भोजन ले आते तो भी भोजन आ जाते तो भी उसको भी ले लेते हैं यदृक्षा लाभ संतुष्ट तो अपने आप साथ जैसा भी प्राप्त है जी। रस्ते में मधुकरी भिक्षा कर भी पाँच घर से जो भी ले लिया खप्पर में दाल रोटी भी उसी में सब्जी भी उसी में कड़ी भी उसी में चावल भी उसी में जो कुछ भी है मठा रायता उसी में तो उसी प्रकार प्रेम से भोजन लेते हैं चलते समय कितने सब कुछ हजम हो जाता है तो प्रसाद जो है वही एक खप्पर में ही लेना होता है हाँ अपने पात्र है कोई अलग अलग जैसे हम लोग तो थालियाँ कटोरी चम्मच सब जी वो करते ये तो प्रभु का प्रसाद है जी महाराज जी का देखिए ये पात्र है और इसी पात्र में महाराज जी को जो भी प्रसाद मिल जाता है जो भी भोजन मिल जाता है दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी तो सब इसी पात्र में एक मिला कर और प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पात्र और भोजन तो गौण है जी पात्र का इतना महत्व मेन तो भावनाओं का है भावना का और सबे भाव से प्रसाद मिलता है और उसको भगवान को अर्पण करते हैं कि ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्मग्नो ब्रम्हणतम ब्रह्मेवती ने गंतव्य ब्रह्म कर्म ना भगवान को अर्पण करके वो सारा प्रसाद हो जाता है फिर इसमें सब आया सारे दोष अन्न के जो भी दोष है वो सब नष्ट हो जाते हैं वो भगवान को भोग लगाया वो प्रभु का प्रसाद हो गया प्रभु के प्रसाद रूप में ये सब पाया जाता है भंडारे भी मैं, मैंने मुझे जैसे जानकारी हुई है कि भंडारा भी अगर आप करते हैं तो घरों से सबके प्रसाद मंगवाते हैं इकट्ठा करते हैं जैसे मैक्स बहुत जगह पर भी भंडारे में कोई प्रकार का हलवाई या कोई प्रकार का सिलेंडर या बर्तन या कोई चंदा कोई पैसा उगाना या तेल घी मिर्च मसाला इकट्ठा करना कुछ नहीं ऐसे बहुत भंडार हुए भगवानपुर में भी शाना में भी गलीगढ़ में भी मऊपुर में भी कि भी सबका भाव को रखने के लिए सबका व्यापक कि जिसकी भावना है माताओं की भक्तों की तो भी एक घर से पांच आदमी का दस आदमी का जिसकी जिसके सामर्थ तो सब कोई बीस आदमी का वो सब ले आते हैं सब इकट्ठा हो जाता है टिफिन टिफिन सिस्टम और सब फिर एक बाल्टी में सब्जी अलग दाल अलग इस तरह अलग करके फिर सबको प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है तो उसमें सहज कोई ना चंदा की जरूरत है ना कोई पर कभी कभी जो बड़ा विशाल भंडारा होता है तो फिर उसमें अलग प्रकार का आयोजन होता है कहते कोई गंगा किनारे कोई विशेष कार्यक्रम है विशेष दिन है कि तो फिर तो अलवाई के द्वारा बनता है वो तो हजार दो हज़ार का तीन हज़ार का वो टिफिन सिस्टम से नहीं होता है टिफिन सिस्टम में सो दो सौ तीन सौ व्यक्ति तक तो इस प्रकार से बोलते हैं और दूसरी प्रकार से भी भक्तों का आयोजन और मेन तो चीजें भंडारे भी गौण है मेहनत है आध्यात्मिक ज्ञान भंडारे तो बहुत जगह होते रहते हैं और पैदल चलना भी महत्व का नहीं है और पात्र आदि महत्व नहीं मेन महत्व है आचरण अनुभूति कहते जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये सब जगह नहीं मिलता जो सत्संग है वो सब जगह नहीं मिलता है तो जो प्रभु के जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ प्रभु के नाम गुण कीर्तन होता है थोड़ी देर तो सबका एक माहौल बनाने के लिए सबको एक मन जोड़ने के लिए सबको थोड़ा कीर्तन भजन होता है थोड़ी मिल उसके बाद सब आध्यात्मिक भाव फालतू विचार चर्चा विचरणा बंद सबका मन एकाग्र होता है उसके बाद कोई प्रश्नोत्तरी हो तो उस पर सत्संग चलता है कभी गीता पर कभी योग वाशिष्ठ महारामायण पर कभी अन्य ग्रंथों पर सीमा दर्शन है रामकृष्ण परमस के वचनामृत है अन्य अन्य ग्रंथों पर इसी तरह सत्संग वचन चलता है तो एक कभी प्रश्न करें तो एक प्रश्न पर भी एक घंटा चर्चा हुई व्यापक चर्चा और ये सब सत्संग का जो प्रभाव है वो महापुरुषों का है स्वामी जी का अपना कुछ भी नहीं है ये तो प्रभु जी महाराज या पिछले जन्मों जन्मांतर का समझो महापुरुषों की कृपा है तो जय प्रभु जी का परम सचिना गुजरात में जो बचपन से लाभ लेते हैं और इस शरीर के पूर्वाश्रम के माता पिता का जो उनका भी सानिध्य महापुरुषों के सानिध्य में वो भी जाते आते थे और प्रभु जी का पूरा उनका सत्संग और सानिध्य का लाभ मिला उन्हीं की कृपा का प्रसाद है जब कहते सानिध्य में से अंदर सत्संग जो कुछ भी अंदर ग्रहण हुआ वही सत्संग बाहर निकलता है बाद में परमश दयानंद जी महाराज जी का सानिध्य सात साल मिला तो उनका भी और स्वामी राम सुखदास जी का भी सानिध्य मिला अच्छा तो उनके सानिध्य का भी सब उनकी कृपा का ही सब प्रसाद है बीएससी की इंजीनियरिंग की और फिर ए, सब कुछ छोड़ दिया और में आ गए हमने कुछ नहीं किया हम कुछ जी। नहीं है जी। प्रभु जी एक वचन कहते हैं हम कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं हम कुछ नहीं जानते हम कुछ नहीं करते जो है सो है जो परमात्मा है जो है सो है तो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है हाँ आध्यात्मिक ज्ञान मेन चीज है जी बाहर का दिखावा नंबर कुछ नहीं अंदर का जो ज्ञान है वो मेन वस्तु है जी। अरे अहंकार मतलब अंदर बाहर से अंदर नहीं कितने अंदर से बाहर जो उनके कृपा से जो अंदर आत्मसात भाव वही अंदर से बाहर प्रकट होता है और ऐसे अनुभव बहुत होते हैं कि किसी को लगे आश्चर्यवत या चमत्कार पर ऐसा नहीं कि भाई वास्तव में एक परम सत्ता है एक परम शक्ति ऐसे जीवन में पैदल चलने में और विचरण करने में लगभग दीक्षा लगभग 1984 एटी फोर ऋषिकेश कैलाश आश्रम में जी। वहाँ लिया था माँ प्रभु जी की प्रेरणा से उन्नीस सौ चौरासी में हाँ हाँ नाइन्टीन नाइन्टी हाँ उन्नीस सौ चौरासी में लगभग तेरह जुलाई और अब तक मतलब प्रभु जी का सानिध्य लाभ लिया फिर नाइन्टी सेवन से लगभग उन्नीस सौ सतानवे से लगभग स्वतंत्र विचरण करते सतानवे तक तो प्रभु जी के सानिधि सत्तानवे से तभी तक वह हिमाचल रहे हरियाणा रे दिल्ली पंजाब में तो पूरा अनुभव होता कि जरूर एक परम सत्ता है परम शक्ति है वो सब व्यवस्था करती वस्था है बस उनके भजन में लग जाए तो परम शक्ति परम सत्ता बिल्कुल अपरिचित प्रांत में जहाँ कोई पहले तो गुजराती भाषा जानते गुजराती पढ़ाई लिखाई अब हिमाचल अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं अपरिचित लोग पर ऐसा लगता नहीं कोई अपरिचित है कि भी हमको कुछ नया है सभी परिचित है सभी क्योंकि उदार चरितम तो वसुदेव कुटुंबकम उदार चरित्र महापुरुष के लिए सारा विश्व ही कुटुम्ब है कोई अपरिचित नहीं लगा सभी परमात्मा का स्वरूप है सिया रामो सब जगह जानी करो प्रणाम जोरु जगह पानी कोई अनजान जगह ऐसा लगता ही नहीं है सभी के अंदर भाव है सभी के अंदर सेवा भाव है भक्तिभाव है सत्संग ज्ञान तो ऐसा लगता है कि सब व्यवस्था अपने आप होती है और पैसा की जरूरत पड़ी ऐसा लगता है नहीं कि पैसा की आवश्यकता है ट्रेन में भी पहले जब चलते थे तो 2000 से 2010 तक पैदल चले बाकी 2000 से पहले वाहन से चलते थे अभी भी वाहन से तो कहीं भी दूर यात्रा भी करी कलकत्ता आ गए बद्री केदार यात्रा है दक्षिण भारत की यात्रा हैं तो ट्रेन की टिकट की व्यवस्था भी भक्तों के द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से वो भी सब हो जाती है कई भी कैलाश मान स्वर भाई प्रभु जी के सानिध्य से और वो भी सब हुआ पर कहते ऐसा नहीं कि भी परमात्मा की कृपा से सब होता है मतलब पैसा मेन चीज़ है ऐसा नहीं लगता है सब व्यवस्था अपने आप सहज हो जाती है फिर आज दुनिया के लोग जो है दो तरह का मुझे एक प्रश्न आया कि पैसे के पीछे ही भागना पूरा जतन करना पूरा का पूरा जीवन जो है पैसे के पीछे लगा लेना ए, एक आपका भाव कि ना आपके पास पैसा है और ना किसी संसाधन के लिए आप परेशान रहते हैं और फिर भी जीवन अच्छे से निकलना है एक ऐसी मानसिकता हो गई जी सभी के अंदर ऐसा सबको देखते हुए कि सभी पैसा पीछे मिला पैसा ही सब कुछ है, पैसा बिना कुछ न मिला पैसा बिना कुछ नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं है लोगों के अंदर बस इसी तरह ऐसी मानसिकता हो गई तो उसके कारण कहते हैं सबका विचारधारा भी उसी प्रकार हो गई बहुत स्वयं अपने आप में विचार नहीं करता है स्वयं सोचते सो, हैं कि भी पैसा होते भी बहुत लोग पैसा का कोई उपयोग नहीं कर सकते अभी कोई महामारी आई कोरोना जिनके पास करोड़ों रुपया है पर वो महामारी से कोई बचाव नहीं ये तो जो जाना था वो गए जो रहना था रहे कितने पैसा से ही हो जाता तो कुछ नहीं और पैसा ही सब कुछ नहीं है सबके अंदर ऐसी मानसिकता हो गई है तो पर आया तो प्रभु महापुरुष के जो ऐसे संत महापुरुष मिलते हैं राम कृष्ण परमस जैसे परम सच्चिदानंद जयप्रभु जे, जैसे जो पैसा का स्पर्श नहीं तो उनके सानिध्य में रहने से ऐसा ज्ञान होता नहीं तो नहीं होता है दूसरे के सानिध्य में रह पैसा पैसा सब कुछ है तो माँ तो पैसा की बोलबाला होती है पर तो ऐसे विरक्त संतों के सानिध्य में रहने से लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है तो जिसका संग ऐसा रंग जैसा हाँ तो ऐसे कारण पैसा सब कुछ नहीं परमात्मा की शक्ति से सब कुछ चलता है अब कहते जीव जंतु पशु पक्षी सब वनस्पति का जीवन है क्या उनके पास पैसा है कहते हाथी भी जी रहे हैं चीटी भी जी रहे चीटी को कण हाथी को मर देने वाला परम पिता परमात्मा है कहते सभी जीव जंतु पशु पक्षी है उनके पास पैसा नहीं है प्राणी भी सब प्रकार के कहते सबके पास पैसा नहीं पर सबका जीवन है जलचर जीवे स्थल चर जीवे नवचर जीव है मछली आदि ये सब है जो जल में मगर मच्छर सबके पास पैसा नहीं है पर जीवन सबका है तो परमात्मा की शक्ति से पैसा है तो मनुष्य ने बस मान लिया पर मनुष्य में भी ऐसे जंगल में आदिवासी दूसरे लोग रहते जिनका पैसा नहीं पर मस्ती से जीवन जी रहे अरे समझो पैसा तो मनुष्य के बनाए हुए टंगसाल से बना हुआ है और ये नोट नहीं छपते थे सिक्के नहीं छपते तो क्या उससे पहले जीवन नहीं था, था। कि पैसा बिना भी, भी जीवन था पर मन से मान लिया कि एक पैसा मतलब विनिमय का साधन मात्र है और उसको ही उन्होंने सर्वस्व मान लिया तो ये गलत धारणा है कि थे परमात्मा की शक्ति से जीवन चल रहा है और ये परमात्मा के जो अपन ये खून नहीं कमी है तो ये फल फ्रूट साग सब्जी अनाज परम क़ुदरती जो है उसी से प्रोटीन विटामिन ये सब आता है इससे मतलब पैसा हार्ट जो चलता है तो ये सब चीज वस्तु से मतलब ऐसा नहीं कि पैसा भर दिया पैसे से हार्ट चलता है पैसे से हार्ट नहीं चलता है अंदर की शक्ति परमात्मा की शक्ति से सब चल रहा है सारा विश्व ही परमात्मा की शक्ति अब ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ये ग्रह उपग्रह ये सब ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है पैसे से चल रहा है ये दुनिया विश्व के पैसा से नहीं चल रही ये सब परमात्मा की शक्ति से चल रहा है सारा सूर्य ग्रह मंडल सब कुछ ग्रह तो एक छोटी सी पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है तो ये भी सृष्टि पर इसमें एक मनुष्य कुछ भी नहीं है सारे ब्रह्मांड भी परमात्मा की शक्ति से चल रहा है सूर्य ग्रह नक्षत्र उपग्रह ये सब कुछ तो इसी तरह सब कुछ तो इस पर परमात्मा पर विश्वास रखे तो वास्तव में परमात्मा की शक्ति से चल रहा ऐसा अनुभव होगा जी सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए क्या करना चाहिए अपनी संस्कृति अपने धर्म अपने अध्यात्म को लेकर सनातन धर्म की जो सत शास्त्र है जी और जो सतपुरुष है तो सतपुरुषों का आदि अपने को ऐसे महापुरुष मिले आचरण अनुभूति तो उनका सानिध्य सरोपरि है उनका सत्संग का लाभ नहीं मिलता है तो उनकी जो सत्साहित्य है उनका अध्ययन करना चाहिए सभी शास्त्रों के बारे में जानना चाहिए गीता भागवत रामायण उपनिषद अन्य अन्य संत महापुरुषों के ग्रंथ महा आदि सब अध्ययन करना चाहिए जानना चाहिए कि धर्म क्या है और अन्य धर्मों के बारे में भी जानना चाहिए कि भी बौद्ध धर्म के बारे में अन्य ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए तो अपने को पता चले कि भाई अब खाली अंधानुकरण नहीं कि भी भेड़ भेड़चाल भी नहीं कि दूसरे चले कि भी ऐसे कर रहे कि भाई क्यों और किस लिए पता नहीं कि भाई वहाँ कोई पेड़ के जल चढ़ा क्यों चढ़ा रहे मंदिर में क्यों ये सब क्यों है किस लिए है तो अपने जो आदर्श पुरुष है राम कृष्ण अवतार है सब ये कौन थे क्या थे तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए सनातन धर्म के बारे में तो अपने शास्त्र पढ़ना चाहिए समय निकालना चाहिए लोग समय तो होता है पर समय को बर्बाद कर देते हैं ठीक है अपने नौकरी धंधा है काम धंधा है उसमें से जो गप में समय निकालते हैं तो फालतू तो समय बर्बाद करते वो समय बर्बाद न करके एक घंटा प्रतिदिन हो सके तो दो तीन घंटा या एक घंटा तो कंपलसरी कहते कोई अध्ययन में निकाले गीता रामायण उपनिषद बारी बारी से कोई संध महापुरुष का चरित्र जीवन उसका अपना ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान वो तो केवल हम ज्ञान से मोक्ष है ज्ञानी मुक्ति का साधन है ज्ञान से कहते हैं अपने अंदर जो संकुचितता नेरो कोई संकुचित मानस वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं मानूँ वही सत्य बाकी सब गलत है वो सांप्रदायिक मतांधता में नहीं पढ़ना चाहिए सब कुछ है परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सभी के लिए उपदेश दिया है चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो चाहे विशिष्ट अद्वैतवादी हो चाहे कोई भी हो चाहे निराकारवादी हो साकारवादी हो भगवान तो सबके हैं सबका कल्याण चाहते हैं तो आपको जिसमें रुचि है ठीक है आप सगुण साकार में मूर्ति आदि में विश्वास है तो उस प्रकार पूजा पाठ करे आगे बढ़े पर दूसरों का खंडन मंडन न करें निराकारवादी आपको निर्गुण निराकार में श्रद्धा आस्था है तो ठीक है उस प्रकार आगे बढ़े पर कुर्सी का मूर्ति पूजा वालों का कभी खंडन मंडन न करें सबकी रुचि प्रकृति स्वभाव संस्कार अलग अलग है जिसको जिस प्रकार भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना उसको बढ़ने दे ये खंडन मंडन में समय बर्बाद करे उसे तो अपन जिसको मान ले उसको सही ढंग से मानकर आगे चले अपर भक्ति मार्ग में आपके विश्वास है भक्ति मार्ग से चलो ज्ञान मार्ग में विश्वास है ज्ञान मार्ग से चलो योग मार्ग में विश्वास है योग मार्ग से चलो ध्यान में मेडिटेशन में विश्वास है तो इस प्रकार आगे चलो पर ऐसा नहीं कि मैं मान रहा हूँ वही सत्य और बाकी दूसरे सब गलत है ये धारणा गलत है कहते सभी उस परम पद के अधिकारी है सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते गीता में भगवान कहते हैं स्त्रिया वेशा तथा सुद्रा तेपी अंति गति चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हो शुद्र हो वो भी गति को प्राप्त कर सकते मतलब सब ए टू जेड सभी उसके अधिकारी तो जो जिस प्रकार जिसकी जैसी श्रद्धा आस्था है उसको उसी को आगे बढ़ने दे किसी के श्रद्धा आस्था को तोड़े नहीं खंडन मंडन काट छाट के में पड़े नहीं सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य है कि है किसी भी धर्म से चलो किसी भी मार्ग पद्धति प्रक्रिया से चलो जो जिसकी जैसी श्रद्धास्था किते थे सबका लक्ष्य है कि है दोस्तों महाराज जी ने अपने इन शब्दों में पूरे जीवन का सार बता दिया पहला जो उनका वाक्य था शब्द था कि पैसा सब कुछ नहीं है बिना पैसे के भी आज जैसे महाराज जी देश और के तमाम जगहों पर यात्राएं कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं तो पैसे को सब कुछ न बनाएं अगर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं ईश्वर पर विश्वास है तो आपके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं आने वाली हैं आपकी बाधाएं टल जाएंगी और दूसरा भगवत भजन के लिए कहा है कि एक ही मार्ग सबका एक लक्ष्य है तो आप केवल भजिए आप भजन करना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं आप यात्राएँ करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से बस भगवत भजन को भजिए इसमें किसी तरह का विवाद मत पैदा करिए आज भी ऐसे समय में आधुनिक युग में इतना कठोर त्याग करने वाले हमारे संत हैं तो मेरा आग्रह है मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि महाराज जी को ज़रूर सुनें और महाराज जी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें क्योंकि इसमें महाराज जी ने जीवन का दर्शन पूरा उड़ेल दिया है और इससे बेहतर इससे अच्छा आपको जीवन दर्शन कहीं नहीं मिलने वाला वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराऊंगा। महाराज जी से अगर मिलना है महाराज जी का दर्शन करना है आप कहाँ पहुँचेंगे तो महाराज जी पूरा अच्छे से वो पता बता रहे हैं आप सब जो है महाराज जी के दर्शन बड़े अच्छे से कर सकते हैं महाराज जी भक्तों के स्थान ऐसे सत्संग प्रवचन जैसे जैसे सबकी मांग वैसे भिन्न भिन्न स्थानों में होता है दिल्ली हरियाणा पंजाब हिमाचल और अनेक भिन्न भिन्न स्थानों में पर मैक्सिमम कहते गंगा किनारे भगवानपुर है जो दिल्ली से लगभग सवा सौ डेढ़ सौ किलोमीटर एक सौ तीस किलोमीटर गढ़ गंगा है गढ़ ब्रजगढ़ से आगे शाना और फिर बुगरासी और भगवानपुर गांव है जहाँ भगवान कृष्ण वहाँ रुके थे तो इसलिए भगवान कृष्णा रुकने कारण वो भगवानपुर नाम पड़ा श्याना में भगवान ने शयन किया था कृष्ण इसलिए श्याना पड़ा है श्याना तहसील में बुलंदसर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में कहते हैं तो भगवानपुर बिल्कुल गंगा किनारे तो गंगा किनारे आध्यात्मिक प्रभु कुटी है वहाँ पर अधिकतर रहना होता है बाकी विचरण होता है सत्संग भिन्न भिन्न स्थानों में तो वहाँ पर कोई भी आ सकता रह सकता इसी है ऐसी सारी व्यवस्था स्वयं भोजन बना सकता है सेल्फ सर्विसेज गुड सर्विस के रूप में वहाँ कोई नौकर चाकर अलवानी अपने आप ही बनाओ अपने आप खाओ किसी प्रकार इस तरह रह सकते वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है बिजली पानी और सारी व्यवस्था वहाँ पर है भक्त लोग आते हैं रहते हैं सत्संग का लाभ लेते हैं पर सत्संग के नियम अनुसार कुटी के नियम अनुसार कोई भी रह सकता है आध्यात्मिक भाव में तो महाराज जी का दोस्तों मैं पूरा एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जिससे आप सब पहुंच सके और अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात प्यारी बात यह है कि महाराज जी जहाँ पर भी धर्म अध्यात्म के लिए जाते हैं वहाँ कुछ भी पैसे धन नहीं लेते जैसे मैंने पहले बताया है और महाराज जी कहते हैं कि इतने कार्यक्रम लगे रहते इतने कार्यक्रम लगे रहते हैं कि मैं समय भी देना बड़ा मुश्किल हो पाता तो ऐसे धर्म गुरुओं का दर्शन और उनके विचार ज़रूर